क्या आप जानते हैं कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने आखिर मायावती को क्यों पहनाई थी करोड़ों रुपए की माला? यह बात 15 मार्च 2010 की है। उस वक्त की बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती को पार्टी की रैली में एक भारी भरकम माला पहनाई गई थी। जैसे ही माला को लेकर उस वक्त के मंत्री रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी मंच पर पहुंचे तो सभी लोग उस माला को देखकर चौंक गए थे, क्योंकि यह कोई आम फूलों की माला नहीं थी बल्कि विदेश में खास डिजाइन से तैयार होकर करोड़ों रुपयों की एक भारी भरकम माला थी जो लखनऊ आई थी। माला और माया के नाम से बड़े विवाद ने जन्म ले लिया और विपक्ष ने बसपा पर हमला बोल दिया। माला को लेकर उठे विवाद के बीच पार्टी ने साफ किया कि यह माला करोड़ों रुपयों की ना होकर बल्कि मात्र 21 लाख रुपए की थी। उस वक्त के बसपा के महासचिव और राज्य के लोक निर्माण मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने विपक्ष के इस आरोप को पूरी तरह से गलत बताया था और उन्होंने कहा कि रैली में पहनाई गई माला करोड़ों रुपए की नहीं बल्कि मात्र 21 लाख रुपए की थी और उसे हजार हजार के रुपए से तैयार किया गया था। उन्होंने कहा था कि माला की कीमत 21 लाख रुपए है और उसे पार्टी के राज्य इकाई की ओर से तैयार करवाया गया है, यह किसी भी तरह से अवैधानिक नहीं है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख को आदर और सम्मान के साथ इसे भेंट किया, लिहाजा इस पर कोई विवाद खड़ा नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि राज्य के मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष की खिंचाई की थी और उस वक्त पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव, विरोधी दल शिवपाल यादव ने कहा था कि रैली मंच पर बसपा मंत्रियों द्वारा हजार हजार के नोटों की करोड़ों रुपयों की माला मुख्यमंत्री को पहनाई गई है, वो काले धन से गुथी हुई है। इस दौरान सपा के नेताओं ने कहा था कि इसका खुलासा होना चाहिए और आयकर विभाग तथा केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI को इसे संज्ञान में लेकर जांच करनी चाहिए। आपको बता दें कि आज तक माया और माला का प्रकरण। डेली न्यूज एंड अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल NS24 को और साथ ही नीचे दिए गए बेल आइकन पर जरूर